What's up guys, welcome back once again. दोस्तों ये नौ मजदूरों की सच्ची कहानी है जो जमीन के नीचे हजारों फीट कोल माइन में फंस जाते हैं जहाँ पर मीथेन गैस का जमावड़ा है। अगर हल्की सी भी चिंगारी लगी तो सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। वेल, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के छोटे से कस्बे में बनी एक बड़ी सी माइन से, जिसको खोदने की इजाजत सरकार नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इसे हर दिन खोद रहे हैं। इसकी क्षमता से ज्यादा खोद भी चुके हैं और आज भी यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीन लगातार काम कर रही और कोई इन्हें रोकने भी नहीं आ रहा है क्योंकि सभी मिले हुए। तभी एक मशीन में से कुछ चिंगारी निकलती है जो दिखने में छोटी थी, लेकिन वो पल भर में ही वहाँ पर आतंक मचा देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये माइन मीथेन गैस से भरी हुई है और चिंगारी के संपर्क में आते ही वो आग पकड़ लेती है। लेकिन सही समय पर ये लोग एक कर्टेन को अपने आगे लगा लेते हैं जिससे कि वो गैस इन तक पहुँच नहीं पाती और ये सभी बच जाते हैं। लेकिन आज ये पहली बार नहीं हुआ। तभी जब तक ये लोग बाहर निकलते हैं, कुछ मजदूर एक साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं कि इन्हें अब ये रोक देना चाहिए क्योंकि ये माइन की लिमिट से ज़्यादा उसे खोद चुके हैं। अगर किसी दिन कुछ ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो गई तो सभी की जान जा सकती है और लेना का देना पड़ जाएगा। यहाँ पर जी, जो कि इनका लीडर होता है, वो इस चीज़ से नाखुश था, इसलिए वो काम को रोकने को कहता है और जाकर अथॉरिटीज़ को बताने को बोलता है। लेकिन उसका भाई कैनी रुकने को तैयार नहीं क्योंकि उसके लिए उसकी जान से बढ़कर पैसा है। वो सभी से कहता है कि अगर वो माइन बंद हो गई तो हमारे पास कोई काम नहीं बचेगा, इससे बेहतर है कि काम करते रहें और कुछ ना कुछ पैसे कमाते रहें। वहाँ बैठा डैनियल कहता है कि मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, अगर मुझे कुछ होता है तो सारा पैसा मेरे परिवार को मिल जाएगा। हमारे इस टाउन में कोई रोजगार भी तो नहीं है। लेकिन जी इन सभी के खिलाफ था। वो दूसरों की जान की कीमत जानता है, इसलिए सभी के बीच में वोटिंग होती है जिसमें एक एक करके सभी लोग हाथ उठा देते हैं कि वो काम करने के लिए तैयार हैं, जिससे जी को भी हाथ उठाना पड़ता है क्योंकि भूखे मरने से अच्छा है कि काम करके मरा जाए। जिसके बाद ये फिर से काम में जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जी कैनी से कहता है कि वो अपने बेटे को माइन पर ना ले जाए, आखिर वो क्यों उसकी जान खतरे में डाल रहा है। इस बात से कैनी गुस्से में आ जाता है पर सब लोग उसे शांत कराते। अब दो दिन के बाद जी डैनियल के बेटे के जन्मदिन पर जाता है जहाँ पर रायन भी मौजूद था, जो कि कैनी का बेटा है। वो अब इन लोगों के साथ ही माइन में जाने वाला है और इसलिए वो जी से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे कि क्या वो माइन वाटर प्रूफ है या फिर उसके अंदर जब जाने से क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। लेकिन इन सबसे कैनी खुश नहीं होता क्योंकि उसने ये सब उसे पहले ही बता दिया था, पर वो फिर भी बार बार दूसरों से यही सवाल पूछे जा रहा था। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और इसीलिए ये सब पूछ रहा था, जिससे कैनी को खुद की बेइज्जती फील होती है और इसीलिए वो उसे रोकता है। लेकिन रायन उसकी बात नहीं सुनता और फिर ये बात इतनी बढ़ जाती है कि बीच में आकर दूसरों को इश्यू रोकना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, जिस माइन में ये काम करने जा रहे हैं वो टाउन से थोड़ी दूरी पर है और ऐसे में ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ही कम टाइम पर मिल पाते हैं क्योंकि हफ्ते में ज़्यादा दिन वो उस माइन में ही गुजार देते हैं। खैर, तभी वहाँ पर टेरेसा आ जाती है जो असल में उस माइन की इंचार्ज या फिर मैनेजर है। उसी की देखरेख में ये काम हो रहा है। उसे भी ये अच्छे से पता है कि ये काम अब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब ये लोग खुद अपनी जान देने को तैयार हैं। वहीं हम रायन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसके पास उस माइन में जाने से नाराज़ थी क्योंकि उसका कहना था कि कोई और भी काम है जो वो कर सकता है, इससे उसकी जान को खतरा ना हो। लेकिन रायन का कहना था कि और काम के लिए उसे पढ़ाई करनी होगी जो वो कर नहीं पाएगा, एक यही काम है जो उसे आसानी से मिल सकेगा, इसलिए वो जाने को तैयार है। उधर जी टेरेसा से और वाटर पाइप की मांग करता है क्योंकि नीचे अब पानी भरता जा रहा है और कुछ ही दिन में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको बाहर निकालने के लिए इन्हें और पाइप की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन टेरेसा कहती है कि उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो और पाइप्स को खरीद सके और इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन इस बात से जी नाराज़ हो जाता है और रात होने पर वो माइन अथॉरिटी को फाइनली खुद ही फ़ोन कर देता है क्योंकि अब वो मजबूर हो गया था। उसे शायद अंदाज़ा हो गया था कि हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन वो अथॉरिटी वाले कहते हैं कि हम ऐसे बिना जांच करे कोई भी कदम उठा नहीं सकते और दो दिन सारे ऑफिसेज बंद रहेंगे, हमें मंडे तक कॉल करना है तभी हम कुछ मदद कर सकेंगे। लेकिन जी कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अपने लोगों को लेकर अभी जा रहा हूँ उस माइन पे। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम रुक भी सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ जी नहीं रुक सकता क्योंकि ऐसे में उसके लोगों को पता चल जाएगा कि उसने ही कॉल करी है, इसीलिए वो उसी रात निकल जाता है। और आज रायन का ये पहला दिन होता है माइन में, वो बहुत ही घबराया हुआ था। तो कैनी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम सब मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना और कम से कम सांस लो वरना तुम्हारे लंग्स में धूल जम जाएगी, फिर जल्दी तुम बेहोश भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ दोस्तों, रायन बहुत कोशिश करता लेकिन खुद को इस डरावने माहौल से रोक नहीं पाता और ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हम बाहर के दृश्य को देखते हैं जहाँ पर मौसम बिगड़ रहा है और तेज़ बारिश होने की संभावना है। ऐसे में क्या होगा ये तो आपको अच्छे से पता है।
लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि अभी मंडे होने में 2 दिन बचा है। अंदर जॉन रायन को दो लड़कों की कहानी भी सुनाता है उसके मजे लेने के लिए, जिसमें वो बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर 2 लड़के आए थे जिन्हें कुछ चुड़ैल भूत दिखने लगे और फिर अचानक से यहाँ पर एक धमाका हुआ और उसी में उनकी मौत हो गई। तभी कैनी उसे बताता है कि ये सब झूठ है, लेकिन हाँ तुम्हें हर चीज से चौकन्ना रहना होगा क्योंकि यहाँ खतरा बहुत है और वो सभी अपने वर्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। ऊपर हम टेरेसा को देखते हैं जो मॉनिटर के सामने बैठी हुई है ताकि कोई गड़बड़ हो तो वो सब देख सके। खैर अब यहाँ पर कैनी सबसे पहले तो रायन को सारे इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बताता है जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। इसके बाद कैनी अब खुदाई का काम शुरू कर देता है, लेकिन वो ड्रिलिंग मशीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था इसलिए जी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे पत्थर कमजोर हो सकते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी ज्यादा लोड होने की वजह से पावर हाउस में गड़बड़ी हो जाती है और उसमें आग लग जाती है जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है। इसी में वो आग इतनी बढ़ जाती है कि वो उस पूरे माइन को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाती है, मतलब जमीन में धंस जाती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उधर टेरेसा रेड अलर्ट को देख लेती है और फौरन माइन के पास जाती है। अंदर कैनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असल में हो क्या रहा है, इसलिए वो जहाँ पर खड़ा है वहीं खड़ा रह जाता है बिल्कुल शॉक। बाकी तो सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। कुछ देर के बाद चारों ओर अंधेरा हो जाता है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय के बाद सबसे पहली आवाज़ जी की सुनाई देती है, जिसके बाद रायन और जॉन को भी हम जिंदा देख पाते हैं। लेकिन जब कैनी के पास वो जाते हैं तो उसकी हालत सबसे खस्ता थी। बाकी के जितने लोग भी थे इनके साथ वो आए थे वो मर चुके थे, पर अब यहाँ इस माइन में मरने वालों में 7 लोग की संख्या और बढ़ जाती है, यानी कि टोटल 120 लोग अब तक मर चुके हैं। उधर टेरेसा माइन के पास पहुँचती है, लेकिन वहाँ तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो कुछ भी करेंगे वो वहीं नीचे फंसे हुए 4 लोग ही करेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम जी को देखते हैं जो कहता है कि हमें दूसरों को ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ पर हमारे साथ आए थे, क्या पता उनमें से कोई आदमी जिंदा हो। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ ही दूरी पर टोरी नाम का आदमी मिलता है जिसके ऊपर ग्रीस चिपक गई थी, वो भी पूरी गर्म ग्रीस। वो पूरी तरीके से जल चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर कैनी और ज्यादा डर जाता है और उसके मन में बस टोरी के बच्चों का ही ख्याल आ रहा था क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही बाप बना था। यहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले यहाँ से सबसे पास वाले इमरजेंसी एग्जिट के पास जाएंगे। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि बारिश ने अपनी रफ्तार को और तेज कर लिया और सारा पानी माइन में भरता जा रहा है जो कि इनके लिए खतरा बन सकती है। ये चारों ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर एक झटका लगता है क्योंकि जिस गेट के पास ये लोग जा रहे हैं वो असल में धमाके की वजह से बंद हो गया। ये देखकर सभी की उम्मीद टूट चुकी है और खासकर कैनी की। वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि वो अब नहीं बचेगा और उसमें तो उसका बेटा भी मारा जाएगा। लेकिन याजी उन्हें भरोसा देता है कि उन्हें लड़ना होगा। वो जॉन को भी कहता है कि तुम कैनी की तरह हिम्मत मत हारो। यहाँ वो उन्हें ये भी बता देता है कि उसने अथॉरिटीज़ को कॉल करके बता दिया है अपने इन हालातों के बारे में, लेकिन वो मंडे तक आएंगे और इतनी देर तक हम लोग को इंतज़ार नहीं कर सकते। उधर जॉन कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास कोई भी रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं है तो वो कभी हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन जी कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने वो करा। उधर हम टेरेसा को देखते हैं जो लगी हुई है अथॉरिटीज से कनेक्ट होने में, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता और इसीलिए वो खुद ही कुछ कदम उठाती है और जाकर माइन के सारे फैंस को बंद कर देती है जिसकी वजह से जहाँ पर आग लगी है वो वहीं तक सीमित रह जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथ साथ में उसने सारे पावर को भी कट कर दिया है, लेकिन इस फैन को बंद करने की वजह से उन चारों को दिक्कत होने वाली है क्योंकि ऐसे में जितना भी स्मोक होगा वो सब माइन के अंदर ही रह जाएगा और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। इसके बाद रायन हैमर की मदद से उस माइन के ऊपर वाली परत को मारता है ताकि कोई उन्हें सुन सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसे में कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाएगा और ये माइन तो टाउन से काफी दूर है और इसीलिए इनकी फैमिलीज को इस हादसे के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। तभी कुछ हलचल होती है और कैनी देखता है कि ढेर सारा स्मोक इनकी ओर आता जा रहा है। वो सभी को पीछे हटने को बोलता है और फिर वहां पर एक कर्टेन लगा देता है जिससे कि वो स्मोक दूसरी ओर चला जाता है। कुछ घंटों तक जूझने के बाद टेरेसा ने आखिरकार एम्शा से कॉन्टेक्ट कर लिया जो कि माइन अथॉरिटीज की हेड है। वो उसे बताती है कि हमारे कुछ लोग एक माइन में फंस गए हैं। वो उन्हें ये तो नहीं बताती कि ये असल में उनकी ही गलती है, वरना ऐसे में वो मदद करने के लिए कभी नहीं आएंगे। इसीलिए उनसे कहती है कि ये जरूर किसी मैलफंक्शन की वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि ठीक है हम कुछ करते हैं, लेकिन हमारे आने तक कोई भी कदम मत उठाना। लेकिन उसने तो फैन बंद कर दिया है जो कि वो बताती नहीं है। खैर अब हम लोग बस इंतजार ही कर सकते हैं कि वो कब तक यहाँ पर आएंगे। इसलिए वहाँ नीचे भी उन चारों ने अपना ऑक्सीजन गैस पहन लिया क्योंकि मीथेन की मात्रा अब ज्यादा हो गई
और ऐसे में खुद को बचा पाना आसान नहीं है। लेकिन इनके पास जो ऑक्सीजन है वो बस कुछ ही मात्रा में, जो कि कुछ ही घंटों तक चल पाएगी। अब इसके बाद वो लोग और आगे बढ़ते हैं और उन्हें लकीली एक फोन मिल जाता है जो कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लगाया गया था। वो फौरन उस फोन से टेरेसा को संपर्क करते हैं जो कि वो लग भी जाता है। वो ये जानकर बहुत खुश होती है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन जब तक वो अपनी लोकेशन बता पाते तब तक एक बार फिर से वो माइन धस जाती है और इस बारी जॉन का पैर टूट जाता है जो कि इनके लिए एक और मुसीबत बनने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर रेस्क्यू वाले पहुंच गए, यानी कि अब जल्दी ही बाहर निकल सकेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि वो तभी अपने लोगों को नीचे भेजेंगे जब उन्हें लगेगा कि कोई खतरा नहीं है, वरना ऐसे में उनके भी लोग मारे जाएंगे। और इस बात से टेरेसा गुस्सा होती है क्योंकि वो बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। अगर ज़्यादा देर हुई तो वो भी मर सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उनके पास जो ऑक्सीजन है वो कुछ ही घंटों की है। पर आमशा वाले अपनी बात पर अड़े हुए थे। वहीं हम नीचे देखते हैं कि ये लोग कैसी भी करके आगे चले जा रहे थे। इन्हें हर रास्ते के बारे में पता भी था, इसलिए कुछ ही देर के बाद ये दूसरे गेट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, वो गेट भी बंद होता है और यहाँ पर रायन और जॉन दोनों ही उसे ज़बरदस्ती एक दूसरे टूल की मदद से खोलने लगते हैं। जिसके बाद क्या होना था, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और उसका सारा पानी अंदर आ जाता है, जो कि इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। सभी उसमें डूबने लग, इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी किसी चीज़ में बेवजह उंगली नहीं करना चाहिए। खैर, अभी ने उस पानी में आगे की ओर जाना होगा तभी ये बच पाएंगे। लेकिन जॉन, जिसका पैर टूटा हुआ है, वो सही से तैर नहीं सकता। तभी उस पानी में एक बड़ा सा पत्थर तैरता हुआ आता है और जॉन को साथ में लेकर चला जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये लोग फिर उस पानी के जरिए एक दूसरे चैम्बर की ओर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ स्पेस मिल जाता है सांस लेने के लिए। वहाँ मैमशा वालों को देखते हैं जो अपनी रेस्क्यू टीम को लेकर एक शाफ्ट की ओर आते हैं, जहाँ पर इन्हें रास्ता मिल जाता है नीचे की ओर जाने का। इसलिए वो वहीं से नीचे जाने लगते हैं, पर यहाँ ये लोग उसी शाफ्ट की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि वो तो बंद हो चुका है, इसलिए वो और मायूस हो जाते हैं। हालांकि वो रेस्क्यू वाले यहाँ पर धमाका करके उस गेट को खोल सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें यहाँ पर पहुँचने में समय लगने वाला है और ऐसे में ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन अभी इनके पास है वो बस ख़त्म ही होने वाला है। उधर रायन तो सब उम्मीदें खो चुका था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला दिन ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब जो हो गया है उसे यही हकीकत माननी पड़ेगी। यहाँ कैनी अब हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है, उसने तो खुद को मरा हुआ भी सोच लिया था। उसके पास जी आता है और समझाता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है, ये कोई और नहीं बल्कि डैनियल होता है, जो कि पत्थर से उस साइड पर पड़ा हुआ था। उसका हाथ यहाँ पर पत्थर के नीचे साइड में दबा था। वो जी से कहता है कि तुम मेरे हाथ को काट दो, जिसके बाद मैं कॉल करके टेरेसा को सब बता दूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब वो यही करने को कहता है तो जी यहाँ पर शुरू हो जाता है अपने काम के लिए। उसके हाथ को एक आरी के जरिए काटने लगता है, उसे ये दर्द सहना पड़ रहा था। लेकिन तभी कैनी आता है और एक हैमर से उसके हाथ को एक झटके में अलग कर देता है, जिसके बाद वो आगे जाकर माइन में टेरेसा को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन बता देता है और हालातों को भी बताता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ शाफ्ट के पास एक धमाका करना होगा, तभी हम बच पाएंगे, वरना कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी खत्म हो चुकी है। टेरेसा फौरन कुछ लोगों को लेकर शाफ्ट की ओर निकल जाती है। यहाँ ये लोग बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि जल्दी से वो बच जाएंगे। उस कॉल के बाद डैनियल तो वहीं बेहोश हो जाता है और यहाँ पर अब ये लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि रैन का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, इसलिए कैनी उसको अपना मास्क लगा देता और फिर जी बड़े भाई होने के नाते उसको अपना ऑक्सीजन पहना देता। हालांकि कैनी मना करता है ऐसा करने से, लेकिन वो नहीं सुनता और कहता है कि ये मेरा फर्ज है, लेकिन मुझसे वादा करो कि आज के बाद कोई भी माइन में काम नहीं करेगा। ये बोलते ही बोलते वो अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पर हल्की सी भी ऑक्सीजन नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटे रोने लगते हैं, क्योंकि अब शायद उनका भी अंत करीब है। लेकिन तभी वहाँ पर रायन के पास वो रेस्क्यू वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें धमाका करने वाले, इसलिए दीवार से दूर हो जाओ। लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है, इसलिए कुछ सुन नहीं पाता। और तभी वहाँ पर एक तेज धमाका होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक साल बाद, जहाँ पर हम रसेल के बर्थडे का सीन देखते हैं, जिसमें कैनी, डैनियल और रैन भी मौजूद थे, यानी कि वो बच गए। इसके बाद वहाँ ग्रीस आती है, जो कि जी की वाइफ थी, उसके पास कैनी जाता और रोने लगता। वो कहता है कि अगर जी नहीं होता तो कैनी और रैन दोनों ही नहीं बच पाते, और वो वही गाना गुनगुनाने लगता है जो मुश्किल समय में गाया करते थे। भले ही उनका ग्रुप अब अधूरा हो गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा इनके पास ही रहेंगी। और इसी यादों के साथ ये कहानी का ये अंत हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।